लगाना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, तब कहीं एफ आई आर लिखी जाती है। चलिए, जानकारी और बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। और अब बात करेंगे पीलीभीत की। पीलीभीत के एस अस्पताल में नाबालिग बच्चों का खून निकालकर बेचने का मामला सामने आया है। इस सिलसिले में पुलिस से की गई शिकायत के बाद पुलिस ने अस्पताल के मालिक डॉक्टर एस के अग्रवाल समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले में तफ्तीश जारी है, जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएस अस्पताल के नाम से चल रहे निजी अस्पताल के कर्मचारी नाबालिग बच्चों को 5 रुपए का लालच देकर उनका खून निकाला करते थे और बच्चों का खून बेच दिया करते थे, लेकिन खून के इस काले कारोबार का भांडा फूट गया। लोगों का कहना है एसएस अस्पताल में मरीजों की जान से भी खिलवाड़ हो रहा है। डॉक्टर्स की लापरवाही से कभी किसी मरीज की जान चली जाती है तो कभी किसी मरीज के पेट में डॉक्टर तौलिया छोड़ देते हैं, जबकि अस्पताल मालिक सभी आरोपों से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। 2.5 महीने के बाद में ये स्थिति हो गई कि पूरे पेट में पस भर गया, पूरा अंदर से आंत वगैरह सड़ गई, उसमें टॉवल था वो भी सब सड़ गया। उस चक्कर में हमने दूसरे हॉस्पिटल में मतलब दिखाया तो वहाँ उन्होंने बताया कि आपके पेट में टॉवल छूट गया। हमारा बच्चा इस दुनिया से पहले ही मतलब ख़त्म हो गया था, नर्स मतलब दुनिया से में आने से पहले ख़त्म हो गया था। वो नर्स देखने ही नहीं आई थी, मतलब उनके खिलाफ देखने ही नहीं आई थी, मैम ने उल्टी सीधी दवाई दे दी। वो महिला जब यहाँ पे आई तो उसको ऑलरेडी घर से ही ब्लीडिंग हो रही थी और वो गर्भपात ऑलरेडी घर पे ही आधा पर्दा हो चुका था, बाकी ब्लीडिंग में ही यहाँ पर आई थी। तो ऐसा कुछ नहीं कि गलत दवा से उसका गर्भपात हुआ, उसका गर्भपात ऑलरेडी घर पे ही हो चुका था। वो भी तफ्तीश हमारी चल रही है, अभी FIR हुई है और इसमें 6 लोग गिरफ्तार हैं, बाकी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो भी इसमें सम्मिलित हैं, और आगे चल के फिर इसमें सख्त कार्रवाई अलग से भी की जाएगी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है जानने के लिए हम बात करेंगे सुशील तिवारी से। सुशील, मामला सामने आ चुका है और अस्पताल आरोपों के घेरे में है, अब तक जो जांच हुई है क्या कार्रवाई हुई है? जो एसएस हॉस्पिटल है, जो छोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जो खून निकालने का मामला था, नाबालिग बच्चों को 5 रुपए का लालच देकर ये खून निकाल रहे थे, सिलसिला काफी दिनों से जारी था। यहाँ तक कंप्लेंट होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है, सिर्फ 6 लोग गिरफ्तार किए हैं। जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें छोटे छोटे कर्मचारी हैं, लैब टेक्नीशियन है और तमाम जो और कर्मचारी हैं, लेकिन जो अस्पताल के मालिक हैं एस के अग्रवाल, उन पर कोई अभी तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। और जो एसएस हॉस्पिटल है काफी लंबे समय से विवादों के घेरे में है। 2007 में एक महिला के ऑपरेशन के दौरान पेट में टॉवल छोड़ दी थी, इसके अलावा एक भ्रूण में बच्चे की हत्या हो गई थी। तो ऐसे में साफ कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है बहुत ही गंभीर है। जो जिस तरह यहाँ पर खून निकालने का मामला था, इसमें जो अस्पताल के मालिक है एसके अग्रवाल, उनसे अभी तक ठीक तरह पूछताछ पुलिस ने नहीं की है और स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है, जबकि CMO मौजूद है वहाँ पर और CMO कम से कम इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी, कोई ना कोई इसमें अपने जो एक टीम बना के इसको पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी, लेकिन CMO ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसे साफ मालूम है, साफ लगता है कि जो अधिकारी हैं उनका रवैया काफी ढोलमोल है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो। पुलिस विभाग सिर्फ छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़कर मामले को शांत करने में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं जो अस्पताल की अप्रोच है काफी ज्यादा है, काफी पहुंच है अस्पताल के मालिक की एसके अग्रवाल की, तो डॉक्टर एसके अग्रवाल पर अभी तक कोई कार्रवाई ना होना, लगातार ये अस्पताल जिस तरह विवादों के घेरे में है, उससे साफ है कि अस्पताल कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में बहुत ही माहिर है, वो मैनेज। चलिए, जानकारी और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर खबर कहीं ना कहीं एक सबक भी देती है और संदेश भी देती है। इन्हीं खबरों के लिहाज से हमने जो आज मुद्दे उठाए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी जागें ताकि सरकार जागे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।